हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. टुडे वी विल डू आवर चैप्टर नंबर 2, ग्लोब्स एंड मैप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि ग्लोब्स और मैप्स होते क्या हैं. ग्लोब्स तो यू हैव सीन, आई थिंक देर इज़ अ पिक्चर इन योर बुक ऑल्सो, हैव अ लुक. ये क्या है, एक ग्लोब है. एंड मैप्स यू ऑल नो बिकॉज आपकी क्लासेस में भी मैप्स लगे होते थे ना, इंडिया के मैप्स, वर्ल्ड के मैप्स, ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट. नाउ हैव अ लुक एट द ग्लोब, शेप ऑफ द ग्लोब. ये जैसा ग्लोब का शेप है ना, स्फेरिकल, इन द सेम वे हमारे अर्थ के शेप को ही बेस करते हुए बनाया गया है. एक बहुत ही स्मॉल सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ मैं आपको. जस्ट राइट एट योर होम, जस्ट टेक अ टॉर्च. टॉर्च मीन्स क्या, मोबाइल का टॉर्च आप ऑन करोगे. इफ़ यू आर हैविंग अ बॉल, हो सकता है ग्लोब नहीं हो आपके पास, बट यू आर हैविंग, ऑल ऑफ यू आर हैविंग अ बॉल ना. बॉल लोगे एंड जस्ट होल्ड इट इन योर हैंड. जब आप टॉर्च के फ्लैश को उस पर डालोगे ना, देन व्हाट विल हैपन, उसके हाफ पार्ट में बॉल के लाइट पड़ेगी और हाफ पार्ट में नहीं पड़ेगी. इन द सेम वे हमारे अर्थ पे भी होता है कि सन रेज जो है, जो टॉर्च का वर्क हम उससे कर रहे हैं ना, इन द सेम वे जब सन रेज फॉल होती है ना अर्थ ग्लोब पे, हमारे अर्थ पे, व्हाट हैपन्स, वो हाफ पार्ट में डे होता है जिस पार्ट में वो उसकी लाइट फॉल करती है. ऑन द अदर हैंड जो अपोजिट साइड होती है वो नाइट होती है. इन द सेम वे जब वो मूव करता है स्लोली स्लोली, तो फिर वो दूसरी पार्ट में, बिकॉज वी ऑल नो ना अर्थ रोटेट्स, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. तो जब वो रोटेट करके दूसरी डायरेक्शन में आ जाता है कि सन रेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में पड़ने लग जाती है, देन व्हाट हैपेंस, वहाँ पे नाइट से डे हो जाती है. एंड जहाँ पे डे थी वहाँ नाइट हो जाती है. दैट्स वाई हमने सुना है ना, ऑल ऑफ यू नो, कि यहाँ पे डे होता है तो अमेरिका में नाइट होता है, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ओनली, कि वो ग्लोब के हाफ पार्ट में किस तरह से लाइट पड़ती है. जस्ट ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट. नाउ हैव अ लुक एट योर चैप्टर, लुक एट योर बुक. द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू लोकेट द प्लेस ऑन इट. क्या ऐसा है, अर्थ का शेप स्फेरिकल, राउंड है. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ज्योग्राफर्स हैव डेवलप्ड सम टूल्स लाइक ग्लोब एंड मैप्स विच हेल्प टू इन लोकेटिंग प्लेसेस एंड अंडरस्टैंडिंग द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ. अब देखो राउंड शेप है तो ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को प्लेस करना, आप एक बॉल पे कुछ आराम से लोकेट करना चाहोगे, नहीं कर सकते ना. ऑन द कंट्ररी अगर हम मैप्स पे या किसी पेपर पे करेंगे, वी कैन ईजिली डू दैट. इन द सेम वे जब ज्योग्राफर्स को प्रॉब्लम होने लग गई ना, तो उन्होंने ये टूल्स डेवलप किए, जैसे कि ग्लोब्स एंड मैप्स. बिफोर दैट ग्लोब्स एंड देर वॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स. ग्लोब्स, the shape of the earth is geoid, earth like, which is slightly flattened at the poles and bulging at the equator. अभी देखो क्या है, हमारे poles जो है ना वहाँ पर थोड़ा सा bulk करता है, ये slightly flat होता है, down होता है. A globe is an accurate three-dimensional model of the earth, which is molded mounted on a tilt shaft so that it shows the inclination of earth's axis and rotation. अभी देखो इसको कैसे बिल्कुल अर्थ के शेप में बनाया गया, एंड एवरीथिंग इज लोकेटेड ऑन इट. और इन दिस जस्ट लाइक अर्थ ये मूव भी करती है और इक्वेटर के पॉइंट्स भी शो करती है. इट शोज द रिलेटिव शेप्स, साइजेस एंड डायरेक्शंस ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. अभी देखो ये क्या क्या चीज़ें शो करती है, सब चीज़ों की शेप, साइज, डायरेक्शन, मीन्स ओशंस, कॉन्टिनेंट्स और जो जो कंट्रीज पड़ती हैं. ग्लोब्स आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड. अभी देखो मैंने आपको जस्ट चैप्टर बिगिन करते ही एक्सपेरिमेंट बताया था ना, कि ग्लोब्स हमें हेल्प करती हैं किस तरह से डेज एंड नाइट्स होती है पता करने में. बहुत ही ईजी सा एक्सपेरिमेंट है, जस्ट ट्राई इट. अ ग्लोब हाउएवर हैज सम लिमिटेशंस. अभी देखो इसमें इतनी फैसिलिटीज तो है, ये मीन्स शेप्स, साइजेस, डायरेक्शंस सब कुछ दिखा रही है, बट देन ऑल्सो इट इज़ हैविंग सम लिमिटेशन. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस, इट इज़ एक्सपेंसिव, बल्की एंड डिफिकल्ट टू कैरी और स्टोर. एक तो ये महंगा होता है, सेकेंडली बल्की होता है, मीन्स यू कैन नॉट कैरी इट ईजिली, भारी बड़ा होता है साइज में, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी एंड स्टोर.
एक तो कैरी करके कहीं ले जाने में भी प्रॉब्लम है, बिकॉज पेपर होगा यू कैन इजिली फोल्ड इट, बट द ग्लोव यू कैन नॉट फोल्ड इट, और इसको स्टोर करने में भी प्रॉब्लम है बिकॉज इट टेक्स सम स्पेस. इट्स कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड फॉर्म्स, वेजिटेशन, सॉइल्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड एग्रीकल्चर. अब देखो ये ऑल्दो इट प्रोवाइड्स डिटेल्स, बट माइनर डिटेल्स इट डजंट शो, जैसे लैंड फॉर्म कैसा है, वहाँ वेजिटेशन कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, सॉइल कैसी है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, और ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, ये सब चीज़ें नहीं शो करती है वो. दीज डेज हाउएवर इन्फ्लेटेबल एंड फोल्डिंग ग्लोब्स आर अवेलेबल. ऑल्दो अभी क्या है, इन्फ्लेटेबल फ्लैट ग्लोब्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जो इजीली फोल्ड कर सकते हैं हम लोग. नाउ द नेक्स्ट वन इज मैप्स. द वर्ल्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मापा विच मीनिंग क्लोथ. अब देखो ये कौन से वर्ड से आया, लैटिन वर्ड से आया है मैप, जिसका वो लैटिन वर्ड क्या है, मैपा, जिसका मतलब होता है कपड़ा, क्लोथ. एज मोस्ट ऑफ द अर्लीस्ट मैप्स वेर ड्रॉन ऑन एनिमल स्किन क्लोथ और पार्चमेंट. अभी देखो क्या होता था पहले, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ पेपर, लोग क्या किस में ड्रॉ करते थे ये मैप्स वगैरह, ऑन द एनिमल स्किन और क्लोथ पे. अ मैप इज अ टू डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. देखो इन द लास्ट पार्ट ग्लोब्स में हमने पढ़ा था वो थ्री डायमेंशनल होता है, बट मैप्स जो है टू डायमेंशनल होती है. ये डिफरेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, माइन्यूट डिफरेंसेस को एट द सेम टाइम वी विल डिस्कस, सो दैट इट विल बी इन आवर माइंड, तो वो लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है. टू डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फीचर्स ऑफ अ पाथ और होल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस. अब देखो इसमें क्या होती है, फिजिकल और जितने भी डिफरेंसेस होते हैं सब कुछ शो करती है अकॉर्डिंग टू द मैप. मैप कैन शो minute details of landforms, roads, railways, towns and villages with the help of conventional symbols. अभी देखो उसके एक conventional symbols होते हैं, देखोगे index बना के नीचे maps के दी होती है, color दी होती है, जैसे river अगर वो blue में show कर रहा है तो index में एक box बना के there will be a representation of that color, particular color. And grasses अगर if it is showing in green color तो index में that will be marked. Okay, now move to next page. They can be rolled or folded, stored and carried around easily. अब देखो ये हमारी limitation globes में थी कि we cannot store it properly, we cannot carry it properly, but in case of maps ये चीज़ बहुत easy है carry करना, store करना. Unlike globes, every map has some distortion because the curved surface of the earth cannot be shown on a flat paper without error. अभी देखो कुछ limitations है, जैसे कि हमारे in the beginning हमने पढ़ा कि earth का shape कैसा है, spherical है, but on a flat surface जो उसको everything को present करना, it is very difficult. थोड़ी सी mistakes भी हो जाती हैं. Maps are important and useful for navigators. टाउन प्लानर्स, अभी देखो किन किन के लिए यूज़फुल है, नेविगेटर्स जो वाटर में ट्रेवल करते हैं, टाउन प्लानर्स जो टाउन्स बनाते हैं, जियोलॉजिस्ट जो ज्योग्राफी से डील करते हैं, माइनर्स जो माइंस में वर्क करते हैं, इंजीनियर्स, तो ऑल दीज पीपल यूज़ मैप्स. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. अभी देखो डिफेंस को, जैसे कि हमारे सोल्जर्स को, दे ऑल्सो नीड मैप्स कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए भी मैप्स की नीड होती है. इन मॉडर्न टाइम्स वेरी एक्यूरेट मैप्स आर मेड बाई कार्टोग्राफर्स यूजिंग एरियल फोटोग्राफ्स एंड सेटेलाइट पिक्चर्स टू डेवलप डिजिटल मैप्स ऑन कंप्यूटर्स. द मैप्स आर ड्रॉन बाई अ मैथड कॉल्ड मैप प्रोजेक्शन. अभी देखो मैप्स कौन बनाता है, दे आर नोन एज द पीपल हु यूज टू मेक मैप्स आर नोन एज कार्टोग्राफर्स. ये टर्म याद करोगे. एंड दे आर मेकिंग वेरी एक्यूरेट मैप्स विद द हेल्प ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स. बहुत सारे फोटोग्राफ्स जो सेटेलाइट से सेंड करते हैं, थ्रू दैट दे यूज टू मेक वेरी एक्यूरेट मैप्स. द मैप्स आर ड्रॉन बाई अ मैथड कॉल्ड मैप प्रोजेक्शन. इस मैथड को कहा जाता है मैप प्रोजेक्शन.
A map can retain either the correct size of countries or the correct shape of very small area, but not both at the same time. अभी देखो, या तो वो बहुत ही accurate shape और size show करेगा of small area, या फिर वो countries को represent करेगा, but every aspect को same time पे वो present नहीं कर सकता है. Because it is not possible ना कि अगर world map में show कर रहा है तो India की एक एक state को वो represent करेगा, है ना. ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया की फिजिकल या हम लोग मैप देख रहे हैं, देन वॉट विल हैपन, उसमें एक एक स्टेट को माइन्यूटली वो शो करेगा. इवन रिवर्स की भी अलग आती है. एज अ रिजल्ट देर आर डिस्ट्रीब्यूशंस इन डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस इन मैप्स. तो इस वजह से क्या होता है, वट हैपन्स, थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं बिटवीन द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ मैप्स साइजेस में. Types of maps. अभी देखो कौन कौन से types of maps होते हैं. There are different types of maps provided varied information. Map can be classified into, first one is physical map. Geographical features such as mountain ranges, peaks, plateaus, hills, plains, oceans, seas and rivers are shown in this type of map by using different colors. अभी वो physical maps में हमें सब कुछ देखने को मिलता है, एक particular area का वहाँ की geographical सारे फीचर्स, सारी कंडीशंस, जैसे कि माउंटेन्स, पीक्स, प्लेटोस, सब कुछ, इवन रिवर्स, सीज, एवरीथिंग इज शोन ऑन अ फिजिकल मैप. नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल मैप. दे शो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज दैट डिवाइड अ कंट्री, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस, कैपिटल्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज. एंड नाउ इन पॉलिटिकल मैप्स हम लोग बाउंड्रीज, एक पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्रीज में क्या क्या डिवाइड होंगे, मीन्स उसके नेबरिंग कंट्रीज भी शो करेगा. अलॉन्ग विद दैट उसमें सिटी, टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस एंड देयर कैपिटल्स विल बी आल्सो शोन. नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप्स. नाउ व्हाट हैपेंस इन थीमेटिक मैप्स, दे शोस, यहाँ पे द शो है बट इट विल बी दे शो. दे शोस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर थीम in a particular geographical area. This could be political, social and geographical. Like अभी देखो किस किस चीज़ों को thematic map में show किया जाएगा, like weather map, population maps, means उसमें show करा, ये अलग अलग themes के होते हैं. जैसे population का अलग map होगा, tourist map, उसमें सारे tourist places will be shown, distributional maps. इस टाइप्स के मैप्स दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ थीमेटिक मैप्स. नेक्स्ट वन इज एटलस. एटलस बुक हैव यू सीन? आई थिंक आपके कोर्स में भी होगा एटलस. एंड एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स. तो ये क्या कैसा बुक होता है? इट इज अ बुक ऑफ मैप्स. द वर्ड एटलस इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ ग्रीक माइथोलॉजी जायंट हु वॉज आस्क्ड टू लिफ्ट द हेवन्स ऑन हिज बैक. अब देखो ये वर्ड कहाँ से आया है. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी. ग्रीक जो पौराणिक कथाएं हैं वहाँ से इट केम दिस वर्ड. एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज जायंट, राक्षस. एंड उसको क्या था, उसको क्या, दैट जायंट वॉज गिवन द दैट ही कैन लिफ्ट हेवेंस. वो स्वर्ग को अपने बैक पे, कंधे पे उठा सकता है. ही वॉज हैविंग दिस फैसिलिटी. ओके, move to next page. Essential elements of maps. अभी देखो maps में क्या क्या essential elements होते हैं. All maps have some common essential elements that help us read, understand and interpret them. तो ये maps में अलग अलग, फिर हम लोग उसको कैसे read कर सकते हैं, understand कर सकते हैं और कैसे interpretations, conclusions निकाल सकते हैं. These elements are title, direction, scale, length and grid. अभी देखो title में क्या, what happens in title? The title of is the name of the map. मैंने बताया था political, physical and thematic maps. Its main purpose generally explains its main purpose. It is generally shown in large letters as a heading on top. और इसमें title map के heading में ही दिया रहेगा, whether it is a means physical map or political map. Now have a look at the direction. यहाँ पे आपको direction show किया गया है ना, ये top पे north होता है and bottom में south and
हमारे राइट हैंड में ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड में वेस्ट होता है। डायरेक्शंस, द फोर मेन कंपास पॉइंट्स आल्सो कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, ये जो फोर पॉइंट्स है ना इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज आर इंटर कार्डिनल डायरेक्शन सिचुएशन सिचुएटेड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कार्डिनल पॉइंट्स, नेमली नॉर्थ ईस्ट। अभी देखो यहाँ से नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी एक एरो शो कर रहा है ना, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। इन द सेम वे साउथ और ईस्ट के बीच में हो रहा है तो इट इज साउथ ईस्ट। ठीक है, जस्ट गो थ्रू दिस पैराग्राफ। ये सेम थिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे नॉर्थ और वेस्ट, वेस्ट के बीच में एक एरो है, इट इज नॉर्थ वेस्ट। इन द सेम वे वेस्ट और साउथ के बीच में जो एरो है दैट इज साउथ वेस्ट। नेक्स्ट इज लेजेंड और की। द लेजेंड और की एक्सप्लेन्स द मार्क्स और सिम्बल्स दैट आर यूज इन मैप्स। अब देखो लेजेंड्स और कीज जो है वो यूज़ किए जाते हैं मैप्स में एज अ सिम्बल। देर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन अ मैप टू शो द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ फीचर्स लाइक ब्रिजेस, डैम्स, फॉरेस्ट एंड रेलवे ट्रैक्स। अब देखो मैप्स का साइज क्या है, छोटा है। ऑन द कंट्ररी किसी चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट करें, एक डैम को या ब्रिज को, तो वो बहुत ही लार्ज साइज में होता है, सो इट इज़ डिफिकल्ट। तो वो क्या करते हैं, एक लेटर या एक सिम्बल बना के उसको वहाँ पर लोकेट करते हैं। So different symbols, letters and colors are used to represent the information. Cartographers use internationally accepted signs and symbols called conventional symbols. अभी देखो इन चीज़ों के लिए एक conventional symbol है, ये नहीं कि bridge को हम लोग कुछ और मतलब अलग अलग maps में अलग अलग उसके symbols show करेंगे, no, that is fixed. Conventional colors are used to show certain relief features by a scheme of layers coloring like blue for ocean. जैसे ocean के लिए always blue color ही use होगा, चाहे वो आप किसी भी map में या किसी भी globe में just search it. And other water bodies, green for plains. Green color जो है plains के लिए होगा. Even I forgot to say you that globe में देखो, ये जो previous page पे आपने जब globe देखा है तो ये जो ग्रीन पार्ट है ना वो लैंड का पार्ट है एंड ब्लू पार्ट जो है वाटर का पार्ट है। मींस हम जो पढ़ते हैं ना 70% इज कवर्ड विद वाटर, दैट सेम थिंग। एंड देखो और कौन कौन से कलर्स है, ग्रीन फॉर प्लेन्स, अपलैंड्स इन येलो, माउंटेन्स के लिए ब्राउन यूज होता है, स्नो एंड आइस इन वाइट कलर, एंड मैन मेड फीचर्स आर शोन इन रेड। अभी मैन मेड फीचर्स में क्या आ गए, ब्रिजेस, बाउंड्रीज, रोड्स, ये सारे दैट विल बी प्रेजेंटेड इन रेड कलर। नाउ नेक्स्ट वन इज स्केल। द स्केल ऑफ अ मैप इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन अ मैप बिटवीन टू पॉइंट्स एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। स्केल इज शोन बाई ड्रॉइंग अ ग्रेजुएटेड लाइन ऑन अ मैप। अब देखो एक एक माइन्यूट डिटेल्स तो हम नहीं शो करते, तो स्केल जो है उसको फॉर एग्जांपल एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए सर्टेन पॉइंट कर दिया जाएगा कि इतने सेंटीमीटर में इतने किलोमीटर्स कवर हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इफ द स्केल ऑफ अ मैप इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 किलोमीटर, जैसे कि हमने 1 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया है 4 किलोमीटर एरिया के लिए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द मैप इज 5 सेंटीमीटर, देन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड विल बी 5 × 4। 5 × 4 क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने देखा ना 1 सेंटीमीटर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर्स। 3 types ऑफ स्केल्स शोन ऑन मैप आर वर्बल स्केल। कौन कौन से टाइप के स्केल्स यूज होते हैं देखो मेजर करने के लिए, नंबर 1 इज वर्बल स्केल, नेक्स्ट इज लीनियर स्केल एंड द अनदर इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शनल। On the basis of the scale, maps can be categorized as. अब देखो scale के basis पे maps को किस तरह से categorize किया गया है। Small scale maps. Small scale maps में what happens? Maps that represent large areas of the earth and show less details are called small scale map. Maps जो वो maps जिसमें बहुत ही small details will be presented, उसी को कहेंगे small scale map. Map is an atlas are of this type. In such a map,
A distance of 1 centimeter may represent 5,000 kilometers on a ground. अभी देखो 1 सेंटीमीटर में 5,000 किलोमीटर्स कितने डिफिकल्ट है ना रिप्रेजेंट करना. सो ये बहुत ही माइन्यूट जो है डिटेल नहीं दे पाता है. फॉर एग्जाम्पल ऑन अ वर्ल्ड मैप, और ये जनरली वर्ल्ड मैप पे यूज़ होता है स्मॉल स्केल मैप. लार्ज स्केल मैप, सच मैप्स शो अ स्मॉल एरिया ऑन अर्थ इन अ ग्रेट डिटेल. मीन्स एक छोटे से एरिया, जैसे हम अगर बरेली को सर्च करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वहाँ की एक एक चीज़ें हमें शो करेगा. हियर अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप मे रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर. अब देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट मैप और मैप ऑफ योर सिटी. मैंने बताया था अभी डिस्ट्रिक्ट मैप या मैप ऑफ योर सिटी, अब बरेली को सर्च करो तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वेयर इज द हॉस्पिटल एंड विच स्कूल इज लोकेटेड वेयर, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल. नेक्स्ट वन इज ग्रिड, द नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइन ऑन द मैप्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ ग्रिड. मीन्स वो ये एक इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. मीन्स लेफ्ट और राइट एंगल्स जब इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज नोन एज ग्रिड. द लाइन विच रन्स हॉरिजॉन्टली आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. जो हॉरिजॉन्टली लाइन रिप्रेजेंट करेंगे ना वो दैट इज नोन एज लैटिट्यूड्स, वेयर एज द वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. और वर्टिकल लाइन्स को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. वी यूज अ ग्रिड टू हेल्प अस डिस्क्राइब द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस. अब देखो ये इंटरसेक्ट करती हैं, जब वर्टिकल लाइन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ना, व्हाट हैपेंस एक पॉइंट पे वो ग्रिड वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ग्रिड. और ये बहुत ईजिली लोकेट करने में हमें ईजी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैप पे कहाँ पे है ये प्लेस. डायरेक्शन और लोकेट अ फीचर ऑन अ मैप एंड ऑन अ ग्लोब. तो ये चीज़ें बोथ दिस हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है हमें मैप्स पे भी देखने को मिलते हैं, दैर विजिबल ऑन मैप्स एंड अलॉन्ग विद दैट ग्लोब्स ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट वन इज स्केचेस. अ स्केच इज अ रफ डायग्राम ऑफ एन एरिया बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन. स्केचेस क्या है, एक रफ डायग्राम होता है. स्केच हम लोग बनाते हैं ना, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऑन आर मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा हो. इट इज़ बिलीव जनरल एंड ऑफन इनएक्यूरेट. और ये जनरल में और ऑफन में इनएक्यूरेट होता है बिकॉज ईच एंड एवरी डिटेल्स इज नॉट शोन इन स्केचेस. इट्स मे नॉट हैव कन्वेंशनल सिम्बल्स, इसमें कन्वेंशनल सिम्बल्स भी नहीं होते हैं. इट इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल, ये स्केल को भी फॉलो नहीं करता है. जैसे कि यहाँ लास्ट इन द लास्ट पार्ट वी हैव लर्न कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5,000 किलोमीटर, वैसा कुछ पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है. इट कैन नॉट शो डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शंस एक्यूरेटली, नॉर डज इट शो ऑल डिटेल्स. मीन्स डिस्टेंस डायरेक्शंस कोई भी डिटेल्स ये प्रॉपरली शो नहीं करते हैं स्केचेस. हाउएवर इट इज़ क्वाइट यूजफुल इन एक्सप्रेशंस एंड आइडिया इन अ हरी, बट इन फ्यू केसेस इट ऑल्सो हेल्प्स. इट हेल्प्स टू डायरेक्ट अ पर्सन टू एन अननोन प्लेस एंड गिव्स अ जनरल आइडिया. के किन चीज़ों में हेल्प करती है, जैसे अननोन कोई है, हम लोग बताते हैं ना ये यहाँ से ऐसे लेफ्ट जाना, देन मूव टू राइट डायरेक्शन, एक दुकान आएगी, देन मूव टू राइट, स्ट्रेट चले जाना, देन आपको वो हॉस्पिटल मिल जाएगा, इन द सेम वे. नेक्स्ट वन इज प्लान्स. अ प्लान इज डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग, पार्क रूम और अ स्मॉल एरिया सच एज अ मार्केट. प्लान्स में क्या होंगे, किन किन चीज़ों को शो किया जाएगा, एवरी माइन्यूट डिटेल्स समझ लो, एक तरह से बिल्डिंग, पार्क, रूम, एवरीथिंग, जैसे कि मार्केट, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एंड ऑफिस एंड ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ ड्रॉन टू स्केल. अ प्लान इज वेरी एक्यूरेट, शोज करेक्ट मेजरमेंट्स, डायरेक्शन एंड गिव्स एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ द कंडीशन ऑन द ग्राउंड. आपने आई थिंक प्लान्स देखे भी होंगे, जब न्यूली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है ना तो एक प्लान देती है हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कि इस एरिया में ये चीज़ें होंगी, इतने रूम्स यहाँ पे बनेंगे, इतने रूम्स विल बी बिल्ट ओवर हियर. अ प्लान यूजेस अ कंपैरेटिवली लार्जर स्केल लाइक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर.
अब देखो इसके स्केल्स जो हैं डिफर होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैप्स। इसमें 1 सेंटीमीटर मे बी इक्वल टू 1 मीटर। जब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनते हैं ना तो प्लान इज़ फॉलोड फॉर आर्किटेक्चुरल पर्पसेस, ब्रिजेस वगैरह बनते हैं देन। ओके आई थिंक दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो इन द ये एक चार्ट दिया हुआ है मैप्स स्केचेस और प्लान्स में व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि किस तरह से वो लार्ज एरिया कवर करता है, उसके स्केल्स और उसके डिटेल्स एवरीथिंग विल बी एंड दिस चार्ट यू हैव टू रिमेंबर। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स।